महर्षि के कुछ सद्वचन। महर्षि के मुख से बातों बातों में प्राय सांकेतिक शुभ वचन निकला ही करते थे। सद शिष्य भी उन सुगंधित पुष्पों को चुन लेने के लिए सदा लालायित रहते थे। ऐसे ही कुछ पुष्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। पहला, विषय वासना विषय भरी प्याले के समान है, जो अपने प्रभाव से धीरे धीरे अंतर में मन बुद्धि को निर्मल करती है, विषयों से सावधान। दूसरी बात, किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर जगत विषयों का ही चिंतन करते रहना संसार में रहकर विषय चिंतन करने से अधिक घातक है। तीसरी बात, यदि गुरु शरण ग्रहण करते हो तो सच्चे मन से करो। गुरु के महत्व प्रभाव तथा स्वरूप को जाने पहचाने बिना गुरु शरण का यथेष्ट लाभ नहीं होता। चौथी बात, अपना जीवन अध्यात्म विरोधी कार्यों प्रवृत्तियों तथा संकल्पों में व्यर्थ क्यों नष्ट करते हो। अमूल्य जीवन वृथा गंवाना बुद्धिमानी नहीं, सेवा साधन ही इसका सदुपयोग है। पांचवी बात, गुरु सेवा का अर्थ गुरु के आसपास घूमते रहना नहीं है, यथार्थ गुरु अपने अंतर में ही है, तो उसकी सेवा के लिए आपको अपने अंतर में घुसना पड़ेगा। बहिर्गुरु की सेवा अंतर प्रवेश के लिए है, सेवा साधन अंत मार्ग का प्रवेश द्वार है। गुरु आदेश का पालन गुरु प्रदत्त साधन का अधिकाधिक विकास का प्रयत्न ही यथार्थ सेवा है। छठी बात, कठिनाइयों असफलताओं विपरीतताओं तथा समस्याओं से घबराते क्यों हो, वो तो तुम्हारा कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट होते हैं। ये मनुष्य की शुभ चिंतक हैं, चित्त शुद्धि का कारण है, उन्हें दुत्कारो मत। सातवीं बात, मनुष्य का बहिर्व्यक्तित्व उसके अंतर व्यक्तित्व की झलक मात्र है, उसका आंतरिक स्वरूप ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यदि अंतर में सुधार हो जाए तो बाहर अपने आप सुधर जाएगा। आठवीं बात, बहिर्गुरु में अंतर गुरु की खोज का आरंभ साधक अपने अंतर से करता है। गुरु तथा शिष्य दोनों में समान रूप से अंतर गुरु विद्यमान है और गुरु शिष्य दोनों का कल्याण करता है। नवी बात, अंतर में जितना प्रवेश करते जाओगे उतना ही जगत पीछे छूटता जाएगा। आपने ही जगत को अंतर में धारण कर रखा है। अंतर के जगत को बाहर उगल दो, अपनी समस्याओं के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। आपने स्वयं ही शक्ति की शरण का त्याग किया है, अब सच्चे मन से उसे पुकारो। बचाओ बचाओ की गुहार लगाने से क्या लाभ। दसवीं बात, माता पिता या गुरु से संबंध जब तक आत्मिक नहीं होता तब तक वो मोह का संबंध है। यदि पाषाण प्रतिमा में भगवान की भावना की जा सकती है तो माता पिता या गुरु में क्यों नहीं। फिर गुरु तो साधक को परमार्थ पथ का प्रत्यक्ष अनुभव करा देता है। ग्यारहवीं बात, अंतर में संसार किंतु मुंह में वैराग्य की बातें, ये तो कोरा दंभ है। जगत केवल बातों से नहीं मन के वैराग्य से छूटता है। मन का वैराग्य भी केवल बातों से नहीं साधन सेवा तथा त्याग से संपादित होता है। बारहवीं बात, अपने मन में झांक कर देखो, आप देखोगे कि वहां वासनाओं के भंडार हैं, संस्कारों के पहाड़ हैं, कामनाओं के अथाह सागर हैं। तभी तुम्हें दूसरे के चित्त में झांकने के प्रयत्न की निरर्थकता समझ आएगी। तेरहवीं बात, जिसके मन में प्रभु का प्रेम है उसके अंतर में जगत की वासना नहीं टिक पाती, तब वासना
प्रेम रूपी अमृत धारा में बह जाती है। चौदहवीं बात, साधन एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको कहता है कि तुम कुछ मत करो, केवल मुझे समर्पित हो जाओ, बाकी सब कार्य मैं कर लूंगा। पंद्रहवीं बात, वासना की नदी आपके सामने प्रवाहित है, उसका जल ग्रहण करने गए तो वो आपको खींचकर अपने में विलीन कर लेगी। सावधान।